ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। मैप मेकिंग की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं, बीच में कुछ गैप हो गया था, खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट, लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं कोल्ड विंड्स और वार्म विंड्स के बारे में, जिसको कि आप लोग लोकल विंड्स के नाम से भी बेसिकली बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं। तो इनको एक साथ ही कर दिया गया है। देखिए, अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो ग्लोबल विंड हमारे पास वही तीन होती हैं। एक होती है जिसे हम परमानेंट विंड बोलते हैं, या फिर प्लैनेटरी विंड्स होती हैं। दूसरी विंड होती है जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज टाइप की होती है, जिसे हम पीरियोडिक विंड्स बोलते हैं, जैसे मॉनसून भी हो गया। और तीसरी होती है जिसको हम लोग लोकल विंड बोलते हैं। और ये सारा हम लोग अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में देखे थे। परमानेंट विंड और पीरियड विंड के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, लेकिन लोकल विंड हम लोगों ने वहां पर स्किप कर दिया था, जो हम लोग मैप मेकिंग में कर रहे हैं। तो मैप मेकिंग में यहां पर देखिए, जो इंपॉर्टेंट विंड्स हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो या फिर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो, सबको एक जगह पर कर दिया गया है। यहां पर कैटेगराइजेशन है जैसे कोल्ड विंड का और वार्म विंड का। एग्जाम में आपसे अलग अलग भी पूछ दिया जाता है कि कौन सी कोल्ड विंड है और कौन सी वार्म विंड है। कोल्ड विंड के लिए देखिए, जो यहां पर सीन है वो है टेम्परेचर, रिलेटिव टेम्परेचर डिफरेंस को लेकर के। तो रिलेटिव टेम्परेचर डिफरेंस से अगर हम बात करेंगे, तो अगर ये पोलर इलाके से आ रही होंगी तो ऑब्वियसली ये कोल्ड विंड्स होंगी, और अगर ये इक्वेटर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रॉपिक्स एरिया से आ रही होंगी तो भी ये वार्म विंड्स होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे पैम्परो, आइस कैप ब्लिजार्ड, हेल्म, लेवांट, मिस्ट्रल, पुर्गा, बुर्ग, बोरा एंड सदरली, ये हमारी कुछ कोल्ड विंड्स हैं। सिमिलरली अगर वार्म विंड के बारे में बात करें तो चिनू, ब्लिजार्ड, सेंटा आना, जोंडा, ब्लैक रोलर, बर्ग, फॉन, सिरोको, खामसिन, हर्मटन, हबूब, लू, सामून और काराबुरान, ब्रिकफिल्डर और नॉर्वेस्टर, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी वार्म विंड्स हैं। इसको लोकेट कर लेते हैं फटाफट, कहां पर कौन सी विंड्स हैं। लोकेशन से आपको याद हो जाएगा कि कौन से विंड किससे एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारी यहाँ पर टॉप पे देखेंगे तो दिस इज ग्रीन लैंड, यहाँ पर ग्रीन लैंड हो जाते हैं, और ये छोटा सा आईलैंड ये आपका आइसलैंड आईलैंड है। ग्रीन लैंड से जो हवा निकलती है उसको बोला जाता है ब्लिजर्ड। सिमिलरली अगर आइसलैंड से जो हवा निकलती है उसका नाम हो जाता है आइसलैंड ब्लिजर्ड। ठीक है, छोटा छोटा यहां पर लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे, आइसलैंड ब्लिजर्ड। अगर हम लोग अमेरिका में बात करें तो हमारे पास अमेरिका में रॉकीज के पास में एक लोकल विंड है जिसका नाम है चिनूक। इस चिनूक के बाद हमारे पास एक और विंड आ जाती है सेंटा आना। तो सेंटा आना हमारी कुछ यहां पर आती है, सेंटा आना। ठीक है, सिमिलरली यहां पर मेक्सिको के पास में एक और विंड होती है जिसका नाम है ब्लैक रोलर। स्टेट पीसीएस में काफी ज्यादा पूछा जाता है ब्लैक रोलर। इसके अलावा साउथ में हमें नीचे देखने को मिलता है जोंडा, यहां पर हमारे पास एक और विंड आती है जिसको हम लोग जोंडा बोलते हैं। और सिमिलरली यहां पर नीचे आती है पैम्पेरो, तो दिस इज पैम्पेरो विंड। तो ये हमारी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कुछ विंड्स हो गई। अफ्रीका के बारे में अगर बात करें तो अफ्रीका में, यहां साउथ अफ्रीका में आ जाती है बर्ग। ठीक है, बर्ग आ जाती है, वार्म विंड है। इसी तरीके से अगर बात करें तो यहां पर एक विंड बहती है जिसे हम बोलते हैं सिरोको, एस आई आर ओ डबल सी ओ, सिरोको। इजिप्ट के पास में एक विंड होती है जिसका नाम है खामसिन। ठीक है, खामसिन बहती है। सिमिलरली अगर बात किया जाए सहारा डेजर्ट में तो यहां पर होती है हर्मटन। ये हर्मटन जिसे हम लोग डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को रिलेटिवली कम करती है। और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हवाएं, मतलब कि बहुत सारे डिसीजेज होते हैं जो इसके कारण से सही हो जाते हैं, हवा के कारण से सिर्फ। यहाँ पर एक और विंड होती है जिसका नाम है हबूब। ये हबूब, ये भी जो होता है स्टेट पीसीएस में काफी ज्यादा पूछा जाता है। यूरोप में आ जाए तो यूरोप में हमारे पास फ्रांस में एक विंड होती है जिसका नाम है मिस्ट्रल। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी बट नाम से समझिए मैं जो बोल रहा हूं, मिस्ट्रल। स्पेन के पास में एक विंड होती है जिसको बोला जाता है लेवांट, दिस इज लेवांट। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है लेवांट। फिर इसके बाद से फिनलैंड के पास से एक हवा निकलती है जिसका नाम है हेल्म। तो यहां पर हेल्म होती है, ऑब्वियसली ये कूल विंड ही होगा क्योंकि पोलर इलाके से आ रहा है। बाकी फॉन के बारे में, आल्प्स के बारे में यहां पर होती है फॉन। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूरोप के भी जो इंपॉर्टेंट विंड्स है उसको देख लिया। बाकी एशिया में अगर आ जाए तो ईरान के पास में आती है, ईरान के पास में एक है समून, दिस इज समून, जो इराक ईरान में है। इंडिया में अगर बात करेंगे तो सब लोग को पता है कि लू चलती है हमारे यहाँ पर, लू और साथ में काल बैसाख।
जो कि बंगाल में बोला जाता है। अगर रशिया में बात करें तो यहां पर हमारी एक विंड आती है जिसे हम पुर्गा बोलते हैं और ये होती है कोल्ड करंट, ठीक है, कोल्ड वार्म ऑब्वियसली। फिर उसके बाद से यहां पर हमारे पास ऊपर से ही एक और विंड आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बोरा, ये है बोरा। और इसी तरीके से मंगोलिया के पास में एक और विंड बहती है जिसको बुलाता है कारा बुरान, दिस इज कारा बुरान, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एशिया के भी देख लिया। अब जरा आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग देखेंगे तो यहां पर तीन इंपॉर्टेंट विंड्स हैं, एक है ब्रिक फील्डर और ये यहां पर होती है, दिस इज ब्रिक फील्डर। सिमिलरली एक और विंड होती है जो कोल्ड विंड होती है और उसको बोलते हैं सदरली। इस सदरली के अलावा एक और विंड होती है जो न्यूजीलैंड में चलती है जिसका नाम है नॉर्वेस्टर, दिस इज नॉर्वेस्टर। हालांकि नॉर्वेस्टर एक और विंड होती है जो यूएस में भी होती है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूजीलैंड वाली नॉर्वेस्टर है। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, हम लोगों ने लोकल विंड के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन चैनल्स का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।